हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। रेसिपी रिच गॉड की रेसिपी है, यानी कि तुरई, जिसको लोग नेनुआ भी कहते हैं। तो आज मैं इसकी बिल्कुल ही नई रेसिपी बनाने वाली हूँ। जिन लोगों को भी तुरई नहीं पसंद है, उनके लिए एक खास रेसिपी लेकर मैं आई हूँ। बहुत ही नई रेसिपी है और उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। इस रेसिपी को पूरा देखिएगा, अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर रिच गॉड लिया हुआ है, यानी कि तुरई लिया हुआ है और इसको अच्छे से धो लिया है। इस बात का आप ध्यान रहे कि तुरई जो है वो कोमल वाली लेनी है, यानी कि जो सॉफ्ट होती है ना, एकदम मासूम सी वाली, वो वाली लेनी है। रफ वाली नहीं लेनी है, नहीं तो आपकी जो रेसिपी है वो ख़राब हो सकती है। तो हमने यहाँ पे सारी तुरइयों को इस तरीके से छील लेना है। इसे छीलना बहुत ज़रूरी है। इसको अच्छी तरीके से छील लिया है और चाहे तो छीलने के बाद भी एक बार धो सकते हैं और इसके छिलके को हटा लेंगे। हमने छिलके को छील लिया है और हटा लेंगे। अब हम रेसिपी शुरू करेंगे। तो इसको हम सबसे पहले कट करेंगे, अपने मनपसंद शेप में हम इसको कट करेंगे। चाहे तो राउंड राउंड कटे कट करें या फिर इस तरीके से। तो हमने इसे थोड़ा सा मोटा मोटा कट करना है, बहुत ही बारीक बारीक कट नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो थोड़ा सा मोटा मोटा ही कट करना है। पूरा कट कर लिया है और मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्यों हम मोटा मोटा कट करेंगे, छोटे छोटे पीसेस में क्यों नहीं कट कर सकते, ये मैं आपको रेसिपी के लास्ट में बताऊंगी। तो कहते हैं, मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिया हुआ है एक मिक्सर का जार और उसमें हम डाल देंगे रफली चॉप्ड अनियंस। मैंने यहाँ पे दो अनियंस लिए थे मीडियम साइज़ के और उन्हें इस तरीके से काट लिया है, उसे हम डाल देंगे। उसके बाद मुट्ठी भर के पीनट्स है, उसको हम डाल देंगे। अगर आपको पीनट नहीं पसंद है तो आप उसकी जगह पे काजू के 4 से 5 दाने ले सकते हैं। ज़्यादा काजू नहीं डालें, नहीं तो आपकी रेसिपी मीठी हो जाएगी। उसके बाद 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद डालेंगे लहसुन की कलियाँ, 3 से 4 मैं इसमें डाल दूंगी और इसको हम पीस लेंगे थोड़ा सा पानी ऐड करके। मैंने इसको पीस लिया है, बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है और दरदरा भी नहीं होना चाहिए, इस तरीके से इसको पीसना है। हमें इसको पीस लिया है हमने इसको। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से है ये। तो अब हम आगे की रेसिपी शुरू करते हैं। पैन रख लिया है गैस पर और उसमें डालेंगे हम सरसों का तेल 2 चम्मच, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा और उसके बाद डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच सौंफ, साबुत सौंफ डालेंगे। और आपको सौंफ जो है वो स्किप नहीं करना, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है, तो इसे ज़रूर डालें। और इसे क्रैकल होने के बाद हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे तेज़पत्ता, आप इसकी जगह पे करी पत्ते भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा हींग भी ऐड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से तेल में मिला लेंगे ताकि इनका फ्लेवर आ जाए। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच ही मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको मिक्स कर लेंगे तेल में। और अब मैंने लिया हुआ है ये प्याज, जिसको मैंने इस तरीके से कट किया है बड़े बड़े टुकड़ों में, आप देख सकते हैं, और इन टुकड़ों को अलग अलग कर लिया है और इसको मैं इसमें डाल दूंगी, इससे सब्जी का बहुत अच्छा लुक आएगा। तो मैं इसमें डाल रही हूँ और इनको हम सैलो फ्राई कर लेंगे लगभग सुनहरा होने तक। हमें इसे भूनना है सुनहरा होने तक, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है हमें, बिल्कुल सुनहरा होने तक भूनना है हमें इसे। तो लो फ्लेम पे हमें भून लेते हैं। प्याज को हमने सैलो फ्राई कर लिया है। अगर आपको प्याज लहसुन नहीं पसंद तो आप इन दोनों चीज़ों को स्किप कर सकते हैं। प्याज देखिए सैलो फ्राई हो चुके हैं अच्छी तरीके से और अब हम इसमें डाल देंगे पिसी हुई, जो हमने पीस के रेडी करके रखा था वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम मिक्स करके डाल देंगे, क्योंकि जार में सारी चीज़ें चिपकी हुई हैं तो कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो, इसके लिए हम इसमें ऐड करके डाल देंगे पानी। पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना है क्योंकि हम इस रेसिपी में पानी का यूज़ नहीं करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पे हम इसे कुक करना है ताकि जो कच्ची चीज़ें हमने पीस के रखी थी वो अच्छे से कुक हो जाएँ। तो लो फ्लेम पर हमें इन्हें पकाना है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर 1 बारीक कटी हुई और इसे भी हमने बारीक बारीक कट कर लिया था, आप चाहे तो इसे भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे सॉफ्ट होने तक कुक करूंगी, लो फ्लेम पे ही पकाना है। जो मसाले हैं वो लगभग कुक हो चुके हैं, टमाटर जो है वो भी सॉफ्ट हो चुका है। तो अब मैं जो हमने रिच गॉड को कट करके रखा था मोटा मोटा, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे, डाल देंगे और इसको हम मसालों के साथ में मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें अभी कोई भी मसाला ऐड नहीं किया है, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, इस तरीके से। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे और इसमें अभी पानी हमें ऐड नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि ये पानी
ये सब्जी जो है वो ऑलरेडी पानी छोड़ती है, तो हमें इसमें पानी नहीं डालनी है। लास्ट में अगर आपको लगे कि ग्रेवी ज़्यादा गाढ़ी है तो आप पानी ऐड कर सकते हैं। इनको अच्छे से मिला लिया है हमने, और अब डाल देंगे आधी आधे बड़े चम्मच में नमक डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार, और अब डाल देंगे हम एक छोटी चम्मच जीरा का पाउडर। धनिया पाउडर ऐड नहीं कर रहे हैं, कोई भी तरह का गरम मसाला ऐड नहीं कर रहे हैं, तो इसमें मसाला बहुत ही कम यूज़ हुआ है। तो हम अब इन सारी चीज़ों को रिच गॉड के साथ मिक्स कर लेते हैं तुरई के साथ, और हमें इसमें पानी ऐड नहीं करना है। लो फ्लेम करके हम इसको ढक के 5 से 7 मिनट जितना पका लेंगे लो फ्लेम पे, गैस का फ्लेम लो कर लें। देख पाएंगे 5 से 7 मिनट के बाद जो रिच गॉड है कितना ज़्यादा पानी निकल आया है उसमें से। हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुका है आप देख सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स जो है वो डालेंगे हम इसमें, फेटा हुआ दही है, और इसे आप घर का लें तो ज़्यादा अच्छा है, खट्टा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो इसको मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, 2 से 3 बड़े चम्मच के करीब में मैंने दही ऐड किया है, और इसको हम सब्जी में मिला लेते हैं अच्छी तरीके से। और इसको हमें सबसे लास्ट में ऐड करना है दही डालने के बाद, ज़्यादा कुक नहीं करना है हमें। ये सब मिक्स हो चुका है दही, इसमें फेटा हुआ होता है तो अच्छे से मिक्स हो जाता है, अगर आप फेटेंगे नहीं तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होगा। और 2 मिनट के लिए कुक करेंगे लो फ्लेम पे। ये देखिए बड़ी इलायची ली हुई है, और उसके बाद एक लेंगे छोटी इलायची, 2 से 3 लौंग ले लेंगे, और इसको हमें रफली कूट लेना है, ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं करना है, बस इसे इस तरीके से कूट लेना है ताकि इसके छोटे छोटे पीसेस हो जाएं और इसका फ्लेवर आ सके रेसिपी में। तो हम इसको कूट लेते हैं इस तरीके से। तो ये देखिए कूट लिया है हमने इसे। हमने रेसिपी 2 मिनट के लिए कुक कर लिया सब्जी को, और किनारे किनारे से ऑयल भी निकल के आ गया है, यानी कि ये रेडी हो चुका है अच्छे से। तो अब हम इसमें डाल देंगे कूटे हुए मसाले। इसको डालने से इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा खुशबू आती है। तो हमारी रेसिपी अच्छे से रेडी हो चुकी है, मैंने इस मसालों को मिक्स कर लिया है, और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे हम, और ढक्कन लगाकर इसको हम ठंडा होने देंगे, और उसके बाद सर्व करेंगे। आप देखेंगे कितना ज़्यादा लजीज है ये रेसिपी। इस गर्मा गर्म सर्व करूँगी, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिलीशियस है ये। मुझे खुद भी तुरई नहीं पसंद है, फिर भी मैं ये वाली रेसिपी बनाती हूँ, और ये वाली रेसिपी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आपको भी तुरई नहीं पसंद है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए, और आपके बच्चे बहुत ही ज़्यादा चाव से इसको खाएंगे। तो आपको कैसा लगा मुझे फिर में ज़रूर बताइएगा। मैंने इसे फ्रेश क्रीम से गार्निश कर लिया है इस तरीके से, आप हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, और इस डिलीशियस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ कि ये कैसी है। आपको इसे सर्व करके दिखा रही हूँ, और अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो हमने बड़े टुकड़े किए उसके फ़ायदे ये हैं कि इसका जो लुक है ना वो बड़े बड़े टुकड़ों में इस तरीके से अच्छा आ रहा है, और तुरई जो है वो साबुत दिख रही है। अगर हम छोटे टुकड़े करते हैं वो चटनी के जैसा हो जाता है, फिर सब्जी और चटनी में फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप देख सकते हैं कितनी डिलीशियस रेसिपी है ये तुरई की, बिल्कुल नई सी रेसिपी, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर करिएगा, जिससे कि आने वाले सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। तो मिलती हूँ अगली एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।